हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपुस किचन। आज का रेसिपी चना पुलाव बन। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज बनाऊंगी चने पुलाव। तो चने को वॉश करके रखा और बासमती चावल को भी वॉश करके रखा। ये आधा कप लिया और ये एक कप लिया। एक बड़ा ऑनियन और चार पांच ग्रीन और रेड चिली स्लिट करके रखा। एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ करूँगी और दो तेज पत्ता, एक रेड चिली और एक बड़ा इलायची, दालचीनी, लौंग और जीरा। साथ में बिरयानी मसाला यूज़ करूँगी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यूज़ करूँगी एक कप चावल के लिए दो कप पानी और ऑयल। कुकर में बनाऊँगी तो इसके लिए कुकर में दो चम्मच ऑयल गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया। अभी ऐड करूँगी दो तेज पत्ता, एक रेड चिली और थोड़ा सा जीरा, दालचीनी और बड़ा इलायची। पहले फोड़नी को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। ये बहुत ही झटपट बनने वाला रेसिपी है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। अभी ऐड करूँगी ऑनियन, ऑनियन ग्रीन चिली और रेड चिली। ऑनियन को कलर चेंज होने पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से ऑनियन और सारे मसाले को फ्राई कर लिया। अभी ऐड करूंगी एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। और अच्छी तरह से मिक्स करके रॉ टेस्ट से जाने का फ्राई करूंगी। और जो पहले से ही चने को भिगो के रखा था, वॉश करके रखा था, वो ऐड कर देती हूँ। और चने को भी इसी तरह से फ्राई कर देती हूँ। अच्छी तरह से रॉ टेस्ट जाने तक जिंजर गार्लिक पेस्ट को फ्राई कर लिया। और चना को भी साथ मिक्स करके वो भी फ्राई कर लिया। जो चावल पस करके रखा था बासमती वो भी ऐड कर देती है। चावल को भी दो मिनट फ्राई कर लेती हूँ। अभी ऐड करूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और ऐड करूँगी साही बिरयानी मसाला। देखिए एक चम्मच भर के और अच्छी तरह मिक्स करके और दो मिनट हल्का हाथों से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करके हो गया और फ्राई करके भी हो गया। ये सारे पानी सूख गया। अभी ऐड करूँगी एक कप चावल के लिए दो कप पानी।
हाई फ्लेम में लीड लगा के एक सीटी लगा के 10 मिनट स्टैंडिंग टाइम में रख दूंगी, तो चने पुलाव बन के रेडी हो जाएगा। सीटी होने के बाद गैस बंद करके छोड़ दिया था स्टैंडिंग टाइम पे। अभी देख ही सकते हैं बहुत ही अच्छा खिला खिला चना पुलाव बनके रेडी हो गया। अभी प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। हेल्दी टेस्टी चना पुलाव बनके रेडी हो गया, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। कुकर में 10 मिनट में ही बनके रेडी हो जाता है। एक बार जरूर ट्राई कीजिए और आप लोग के एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।